हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के स्टडी रूल के बारे में। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, कोल माइनिंग कंपनी है, तो यहाँ पर भी और पीएसयूज की तरह कुछ बेनिफिट्स हैं। तो उसमें ही एक बेनिफिट्स आता है स्टडी लीव का, यानी कि आप जॉब में भी रहें और उसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सकते हैं और आप जॉब में भी हैं, आपको सैलरी भी मिल रही है और आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अब इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आया है कि किन कौन लोग हैं जो स्टडी कर सकते हैं या स्टडी लीव ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन ये है कि आपको स्टडी लीव मिल सकती है अगर आपने एक साल का प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया है, और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 साल कंपनी को सर्व कर दिया हो। आपको 5 साल सर्व करना ज़रूरी है, बट आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये एक क्लैरिफिकेशन है। कैसे? अगर आपने अपना प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद लेट्स सपोज आपको 2 साल कंपनी में काम करते हुए हो गए हैं, तो होना क्या था कि आपको 5 साल पहले रूल के हिसाब से आपको 5 साल कंप्लीट करने थे, तभी आप स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी का क्लैरिफिकेशन ये है कि आपने अगर 1 साल प्रोबेशन का कंप्लीट कर लिया है और लेट्स से आपको 2 साल कंपनी में काम करते हो गए हैं इंक्लूडिंग द प्रोबेशन, तो आप क्या है, आप अप्लाई कर सकते हो स्टडी लीव के लिए। लेकिन यहाँ पर कैच ये है कि आपको जो बचे हुए 3 साल हैं उन 5 साल को कंप्लीट करने के लिए और जो पहले रूल में था उसके अलावा 5 साल, उतने टाइम तक आपको कोल इंडिया में सर्व करना होगा। यानी यानी कि ये टोटल 8 साल हो गए, 8 साल के लिए आपको सर्व करना होगा कोल इंडिया में। उससे पहले आप कोल इंडिया नहीं छोड़ सकते। पहले रूल में क्या था कि अगर आप 5 साल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उस टाइम पे लीव अप्लाई कर सकते थे, जो स्टडी लीव थी, उसके बाद आपको 5 साल सर्व करना होता। बेसिकली इट्स अ सेम थिंग, बट आपको यहाँ पर चीज़ क्या है कि आप अब उन 5 साल से पहले भी, जो 5 साल के बाद अप्लाई कर पाते थे, उन साल 5 साल के पहले भी आप स्टडी लीव अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपको उतना टोटल पीरियड के लिए आपको कोल इंडिया में सर्व करना होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने 3 साल कोल इंडिया में आपको नौकरी करते हुए हो गए, अब आप स्टडी लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको जो 2 साल वो हो गए और 5 साल जो आपको सर्व करना था, यानी 7 साल आपको कोल इंडिया को आने के बाद और सर्व करना होगा, उससे पहले आप कोल इंडिया को नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये एक क्लैरिफिकेशन था रिगार्डिंग स्टडी लीव। इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, किसी और पीएसयू से रिलेटेड या कोल इंडिया से ही रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या और कोई टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू।